हठ योग नहीं, अपनी क्रियाओं से करने से वो सफल होती हैं, संपन्न होती हैं और फिर वो तो सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है। उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद गण ब्रह्म की वाणी में है, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनसे सुन। इससे सिद्ध है कि गीता जी का ज्ञान भी डिविजनल है, मंडलीक है, ओवरऑल ज्ञान नहीं है, कंप्लीट नॉलेज नहीं है। इसी प्रकार यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक तत्वदर्शी संत से ही जानकारी प्राप्त करने के लिए कहा गया है कि वही कंप्लीट नॉलेज आपको बताएगा। इससे सीधा कि वेदों का ज्ञान भी इनकम्प्लीट है, डिविजनल है, ये ऑलराउंड नहीं है। पुण्यात्मा परमेश्वर कबीर वो पूर्ण परमात्मा है जिसके विषय में चारों वेद भी गुणगान करते हैं, उनकी लीलाओं का विस्तार से विवरण देते हैं। परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहा था कि वेद मेरा भेद है पर मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं, मैं इन चारों वेदों में नहीं हूँ, अर्थात मुझे पाने की विधि इन चारों वेदों में नहीं है, और जिस वेद से मैं मिलूँ उस चक्रवर्ती ज्ञान से वो वेद जानते ना ही। वेदों में भी लास्ट में ये लिख दिया जाता है नेति नेति नेति, नेति का अर्थ है न इति न इति न इति, इति माने अंत, कि हमने जो वर्णन कर दिया उस परम पिता परमेश्वर का वो इतना ही नहीं है, वो और भी है, उसके विषय में तत्वदर्शी संतों से ही पूछो वो बताएंगे। तो यहाँ उसके विषय में बताया है कि ऐसा निर्मल नाम है, निर्मल करे शरीर, और ज्ञान मंडलीक है ये चक्व ज्ञान कबीर, जैसे अभी बताया कोट गऊ जदान दे कोट जग जो नारे, और कोट कूप तीर्थ खने मिटे नहीं जम मारे, कोटक तीर्थ व्रत करो और कोट गज कर दाने, गज माने हाथी, और कोटि अश्व विपरो दिए मिटे न खेचा ताने, यानी जो साधनाएं जो क्रियाएं आप जी कर रहे हो इससे जन्म और मृत्यु का ये दीर्घ रोग नहीं समाप्त हो सकता। जैसे गौ दान देते हैं किसी ब्राह्मण गुरु को तो उससे क्या लाभ होगा, मोक्ष नहीं, दान का फल अलग से मिलता है। जब तक आप जी को यथार्थ नाम सतनाम सच्चा नाम और सारनाम नहीं मिलेगा आपका ये जन्म मृत्यु का रोग नहीं समाप्त होगा। जैसे पांचों यज्ञ भी करते हैं लेकिन इकट्ठी नहीं करते, वो उनको ज्ञान नहीं है। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और पांचवी यज्ञ है ज्ञान की। इनमें से कोई तो धर्म यज्ञ करता है, जैसे किसी का लड़का हो गया गणेशन में है और गांव जमा दिया, हो गया धर्म भंडारा है। कोई केवल हवन यज्ञ ही करता है, स्वाहा स्वाहा बस हो गया, होगी भक्ति, और कोई मेडिटेशन लगाता सुबह शाम, परमात्मा कहते हैं झूठा ज्ञान, और ध्यान कहाँ लाओ, थारा ज्ञान ना नकली है, फिर ध्यान क्या लगा रहे हो तुम, ये वाद विदा चतुराई, ये तो दुनिया को मूर्ख बना रहे हो तुम। और यदि ध्यान अभ्यास करते हैं हठ योग से तो वो तप बन जाता है, तप से राज्य प्राप्त होता है, राज्य प्राप्त करके ये प्राणी निरे पाप इकट्ठे करता है, अगले जन्म में वो फिर 84 लाख योनियों में और नरक में दुख उठाता है। कहते हैं शास्त्रों में लिखा कि तपेश्वरी सो राजेश्वरी,
तपेश्वर यानी जो घना तप करता है वो ज़्यादा समय तक राज्य करता है, और तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, और जितना घना राज करेगा वो घना घने दिनों तक, ज़्यादा दिनों तक नरक में ठोका जाएगा, उतना ही ज़्यादा उसका नरक तैयार होगा। किन राजाओं का जो भगवान से डरने वाले नहीं, यथार्थ भक्ति नहीं करते। यदि भगवान से डरने वाला राजा हो और सत साधना करे और फिर वो अपने राजकाज में किसी को सतावा नहीं, दंड नाजायज दे नहीं, तो उस राजा पे भार नहीं बनता, क्योंकि वो भगवान से डरने वाला होता है, वो अन्याय अत्याचार नहीं कर सकता। तो क्या बताते हैं, तपेश्वरी सो राजेश्वरी, तपेश्वर माने जो घना तप करने वाला सबसे मुखिया, उतना ही ज़्यादा शासन करेगा, उतना ही ज़्यादा उसको राज्य होगा, और जितना राजेश्वरी जो घना राज करेगा उतना ही नरकेश्वरी, वो नरक में जाएगा। प्रियव्रत नाम का एक व्यक्ति था, उसने बहुत वर्षों तक तप किया, हजारों वर्षों तक, सदग्रंथों में लिखा उसने 11 अरब वर्ष तक तप किया, और फिर 11 अरब वर्ष तक ही उसको राज्य मिला। आप इस चक्र में ना पड़ियो कि अभी 11 अरब वर्ष तक कैसे जीव आदमी, ये परमात्मा का जो अध्यात्म ज्ञान है ये जीव की पहुंच से बाहर है। आप ये सोच ले कि उसने काफ़ी वर्षों तक राज किया, तप किया, फिर तप से उतने वर्षों तक राज किया, तो फिर उसको यम के दूत आए लेने के लिए, पारखद आए लेने के लिए, कहा कि प्रियव्रत चलो तेरा समय पूरा हो गया। अब वो राजा कहता है कि पारखदो मुझे कुछ समय और जीने दो, कुछ समय और रहने दो, मुझे कुछ श्वास और ले लेने दो। देवदूतों ने कहा कि खबरदार, जब और एक भी सांस लिया तो तेरे लिए अलाउड नहीं रहा। उसी समय शरीर से खींच लिया, बाहर निकाल लिया और लेकर चल पड़े। धर्मराज के दरबार में जाकर धर्मराज ने पूछा कि भई कुछ कमा के लाया के खाली आया। वहाँ जाके प्रियव्रत को पता लग गया था कि मनुष्य जीवन जिस उद्देश्य से मिला था वो काम बनया को नहीं। कहने लगा जी खाली आया, और कहा मुझे कुछ समय और दे दो, मैं भक्ति करूँगा, बकवाद नहीं करूँगा। अब धर्मराज ने कहा भाई मैं तो सत का राज करूँ हूँ, जिसा जिसने किया उसा फल देता हूँ, मैं ना घटा सकूँ ना बढ़ा सकूँ, ना तो फिर दोबारा मनुष्य जीवन नहीं दे सकता। तने 11 अरब वर्ष तक तप करया था, इतना इतना राज कर लिया, और ये जो भक्ति करनी थी इसमें कोई सांस भगवान के नाम पर तने लाया को नहीं, अब नरक में जा बेटा, ठोक दिया ठाक है, वहाँ कोई ना सुनता। एक तपस्वी था, उसने एक शिला पर बैठकर, पत्थर पर बैठकर काफ़ी वर्षों तक तप किया। तप करके जब वो वापस दरबार में आया तो न्यायाधीश ने पूछा, उस धर्मराज ने पूछा, धर्मराय ने पूछा कि भाई तपस्वी अदल करूं के फजल करूं, अदल मीन न्याय और फजल मीन रहम। तो तपस्वी ने कहा कि मैं न्याय चाहूंगा, कि मैंने तो तप कराया है डट के। कहने लगा न्याय करो। धर्मराज ने पूछा कि तूने जो तप किया था किस चीज के ऊपर बैठकर किया था, कि शिला पर, वो शिला तेरी है या मेरी? धर्मराज ने पूछा जिस शिला पर बैठकर तूने तप किया था वो तेरी है या मेरी? अब न्यू कह मेरी है तो लै क्यों नहीं ठा के सिर पर? न्यू बोला ना आपकी है। अब मेरी शिला पर तूने बैठकर तप किया,
अब बेटा उसका तू मुझे फल दे, उसका तू फल भोग, उसका प्रतिफल क्या कि उस शिला को इतने ही वर्षों तक सिर पर रख ले, ये है मेरा न्याय, जैसा कर्म वैसा वरण, जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। अब उसको सिर पर धर ले और जा सर्प की योनि धार, और इतने वर्षों तक सर्प बनकर उस शिला के नीचे रह, मेरा यू न्याय हो जाएगा, अदल हो गया तुझा। इतना कहते ही फेंक दिया, ठाकर सर्प बन गया और इतने वर्षों तक उस शिला के नीचे वो तपस्वी रहा। उसके बाद उसको तप का फल भी राज भी दिया जाएगा और फिर वो नरक में ठोक आ जाएगा। तो क्या बताते हैं, कोटि कूप तीर्थ खने, कोट गऊ जो दान दे, कोटि अग जो नारे, और कोट कूप तीर्थ खने या मिटे नहीं जम मारे। गगन मंडल में रहत है अविनाशी आप अलेख, जुगन जुगन सत्संग है वो दर दर खेल बेख। वो परमात्मा नाना प्रकार के रूप बनाकर पृथ्वी पर आते रहते हैं, वैसे वो सतलोक में ऊपर गगन मंडल में रहता है वो भगवान। और यही वेद बताते हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26 और 27 में, ऋग्वेद के ही मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1, 2, 3 और मंडल नंबर 20 मंत्र 1, मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के 16 से 20 में ये स्पष्ट किया हुआ है कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर देव सतलोक में रहता है, एक तीसरे धाम में विराजमान है, वहाँ रहता है, वहाँ से गति करके नीचे आता है, अपनी प्यारी आत्माओं को ज्ञान देने के उद्देश्य से वहाँ प्रकट होता है, उनको प्राप्त होता है, फिर ज्ञान बताता है। और यही परमात्मा, यही गरीबदास जी ने आंखों देखा कबीर परमेश्वर का ज्ञान वर्णन किया है। गरीब गगन मंडल में रहत है अविनाशी आप अलेख, और जुगन जुगन सत्संग है वो धर धर खेल बेख। प्रत्येक युग में परमात्मा आते हैं और नाना प्रकार के रूप बना के वो अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं और यथार्थ ज्ञान बताते हैं। निज नाम बिना निपजय नहीं, जप तप कर है कोटे, लख 84 त्यार है के मुंड मुंडाया गोटे। ये कई प्रकार के ऋषि सिर भी मुंडवा लेते हैं, दाढ़ी मूछ भी खूब मुंडवा के नौकती कोरा कचकोला कटवा लेते हैं। परमात्मा कहते हैं भक्ति बिना बात ना बने, इस ऊपर के दिखावे से आडंबर से कोई लाभ नहीं। निज नाम बिना निपजय नहीं, निपजना माने कोई भी फल प्राप्ति नहीं होगी, चाहे जप तप कर है कोट, नकली नामों के जप और हठ योग से करोड़ों बार कर लो, लख 84 तैयार है, ये 84 लाख योनियों के दंड तुम्हें तैयार हैं, और के मुंड मुंडा लिया गोट। गरीब ऐसा सतगुरु से ये जो सतनाम दरडावे, बरमे गुरुआ मत मिलो जो मूल भी गवावे। ऐसा सतगुरु मिला जो सतनाम पर दृढ़ करे कि यही भक्ति है और भक्ति नहीं करना, और ये भर्मी गुरुआ ना मिलो जो आपके मूल जीवन को, मनुष्य जीवन को बर्बाद करवाता है। गरीब पंडित कोटि अनंत हैं, ये वक्ता कोटि अनंत, श्रोता कोटि अनंत हैं, पर बिरले साधु संत। परमात्मा कहते हैं कि संस्कृत के जानने वाले पंडित विद्वान बहुत मिल जाएंगे,
और लतीफेदार कथा सुनाने वाले वक्ता भी बहुत मिल जाएंगे, उनके पास श्रोताओं भी